पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चला जनपद में अवैध जुए सट्टे के विरुद्ध तोड़फोड़। पुलिस की कार्रवाई से जुआ सट्टेबाजों में मचा हड़कंप। 30 जुआरी सटोरिए गिरफ्तार। कब्जे से कुल 18,090 रुपए नकद व जुआ सट्टा खेलने की सामग्री बरामद। पुलिस ने सभी सटोरी हुई जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा। सदर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। खुलासा इसमें किया गया है। ये जनपद कासगंज में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में आज पूरे जनपद में जुआ खेलने वालों और सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देशों के अनुपालन में सभी थानों पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई, जिसमें 30 सट्टा लगाने वाले लोग और उनके कब्जे से लगभग 18,000 रुपये की धनराशि बरामद हुई है। और इस प्रकार के अभियान निरंतर चलते रहेंगे भविष्य में भी, और जहाँ जहाँ अन्य सूचनाएँ प्राप्त होती हैं इस प्रकार के क्षेत्रों में हम लगातार दबिश देते हैं। सर, हर बार जुआ सट्टे के लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी तक बड़ा सट्टेबाज या नहीं पकड़ा, क्या कारण है? लगातार छोटे छोटे भाई जो पहले पकड़े उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई है और संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं, जो पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। सर, पूछताछ में कुछ पता चला इनका सरगना कौन था? ये लोग तो पहले प्रथम दृष्टया डिनाई करते हैं कि साहब नहीं, हम नहीं इस तरीके, हम तो वहाँ पे खड़े हुए थे, पेशाब कर रहे थे, दुनिया भर के बहानेबाजी करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। जैसे ही उपस्थित मिलते हैं या अगर कहीं मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनके बयानों के आधार पर उनको किरदारी में अंकित किया जाएगा, कौन व्यक्ति हैं उसके आधार पर अंकित।